तो देखिए मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नीट सितंबर 2020 में पूछा गया और ये क्वेश्चन मैं क्लास में भी करवा रखा हूं। पढ़ते हैं क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इनमें से किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑफ लिथियम, 1 ग्राम ऑफ एजी। आओ सॉल्व करते हैं। पहले 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम को देखो, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी बता सकते हैं, तुरंत बन जाएगा, लेकिन कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा तो सारे बच्चों को समझाना है, जिसके लिए मुझे हर एक तरीके से बताना पड़ेगा। जैसे मैग्नीशियम है, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बोला तो मैग्नीशियम को लिखते कैसे हैं, 24 12, तो कह रहा है कि 24 ग्राम, ये देखो ये ऊपर में क्या है, इसका एटॉमिक मास है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैग्नीशियम के ग्राम एटॉमिक मास में Na एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो आपको बताना है 1 ग्राम में कितने होंगे। भाई Na by 24, ठीक है, कोई दिक्कत तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे Na by 24। फिर आगे बढ़ेंगे, ऑक्सीजन के लिए वही हो जाएगा, ऑक्सीजन को लिखते कैसे हैं, 16 by 8, 16 और ऊपर में नीचे 8, तो 16 ग्राम में Na एटम्स, ऑक्सीजन के 16 ग्राम में Na एटम्स। तो 1 ग्राम में बात करें तो क्या होगा, Na by 16, तो यहाँ पे लिखूंगा Na by 16। अब लिथियम के लिए बात करो तो वही बात है, Na by नीचे लिथियम को ऐसे लिखते हैं, लिथियम को लिखते हैं 7 और 3, तो नीचे में 7 हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें Ag के लिए, Ag के लिए बात करें तो Na by 108, Ag का जो मास होता है वो 108 होता है, ठीक है। अब बताओ, अब यहाँ से एक ट्रिक आ गया, ठीक है, आप यहाँ पर चाहोगे तो वैल्यू भी डाल सकते हो, 6.023 या डायरेक्ट 6 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, 6 × 10⁻², कैलकुलेशन आसान रहेगा, 24 यहाँ कर लो, 6 × 10⁻², और 24 कर लो यहाँ, कर लो 6 × 10⁻², और सॉरी 24 में क्यों लिख रहा हूँ, 16 7, यहाँ कर लो 6 × 10⁻², डिवाइडेड बाई 108। अब देखो यहां पर ट्रिक है, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपसे कौन सी वैल्यू पूछ रही है, आपको मैक्सिमम वैल्यू कह रही है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। तो सुनो, जिसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू, जिसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी, जिसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी उसके लिए वैल्यू छोटी, उसके लिए वैल्यू छोटी, अच्छा बड़ी के लिए, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी आएगी तो वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी, वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। दूसरा, जिसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी, वैल्यू बड़ी उसके लिए क्या होगा, वैल्यू बड़ी। अब देखो क्वेश्चन, ये ट्रिक है भाई, मतलब देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। क्या है, डिनोमिनेटर की वैल्यू किसकी बड़ी है, हमको क्या चाहिए, बड़ी चाहिए वैल्यू, हमको बड़ी वैल्यू चाहिए तो डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। यहां पे देखो डिनोमिनेटर की वैल्यू किसकी छोटी है, देखो ये 7 है, इसकी छोटी है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, यानी 1 ग्राम ऑफ लिथियम के अंदर बहुत ज्यादा यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पाए जाएंगे। और सबसे अगर इसी में ये देखो मैक्सिमम पूछा तो ये मारेंगे, मिनिमम पूछेगा तो ये मारेंगे, ये डी वाला, क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। तो बताओ यहां पे जिसकी डिनोमिनेटर बड़ी वैल्यू छोटी, अगर मिनिमम पूछता तो ये होता 1 ग्राम ऑफ Ag, मैक्सिमम पूछा इसीलिए 1 ग्राम ऑफ लिथियम। यहां से आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, ठीक है। देखो ये वैल्यू काटोगे तो पॉइंट में बहुत ज्यादा पॉइंट में आएगा, 0.00 कुछ आएगा, ये काटोगे तो सिर्फ 0 point something आएगा, ठीक है, ये काटोगे तो और पॉइंट में जाएगा, और ये काटो तो और पॉइंट में जाएगा, तो डेफिनेटली वैल्यू किसकी बड़ी होगी, ये 1 ग्राम लिथियम में ज्यादा एटम्स मिलेंगे एज कंपेयर टू 3 एटम्स यहां पे आपको जो दिख रहे हैं, ठीक है। चलो नोट कर लो, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई बड़ी नहीं, बस ये ट्रिक याद रखिए, जिसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी वैल्यू छोटी, जिसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी वैल्यू बड़ी, ठीक है। चलो नोट करो, नोट करो, नोट करो।